अब तक आपने देखा, गौना होने के तुरंत बाद बनारस घाट पर मची भगदड़ में गंगा अपना सब कुछ खो देती है। तेरे बाप का साया भी उठ गया सिर से, और देखना तू अनाथ हो गई। अच्छा के बैठ। किस्मत से अनाथ गंगा को बनारस के मशहूर वकील निरंजन बाबू का सहारा मिल जाता है। साया, ममता अपनी जगह पर है, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन अम्मा जी की इजाज़त ना मिलने पर गंगा वहाँ से चली जाती है। अम्मा जी और सागर के आपसी प्यार को देखकर गंगा को एक युक्ति सूझती है। अपनी युक्ति से गंगा चतुर्वेदी सदन में अपनी जगह बना लेती है। बहुत बनी गई मैं। सागर, ये कोई टॉय नहीं है, इंसान है ये। गंगा के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो चंदापुर गांव की रहने वाली है। उसकी माँ का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। उस दिन घाट में भगदड़ में उसके पिता भी जल बसे। अब कोई नहीं है उसका स्टेडियम में। मगर सुबह गंगा को घर में ना पाकर चतुर्वेदी परिवार परेशान हो जाता है और सागर से उसके गायब होने की खबर छुपाता है। मेहरी की वजह से गंगा पर चोरी का इल्जाम लग जाता है, जबकि सुबह से इन्हीं लाशों में अपने पापा को ढूंढ रही है। भाग्य से गंगा को उसके पिता का पार्थिव शरीर मिल जाता है, जिनके अंतिम संस्कार में निरंजन बाबू गंगा की मदद करते हैं। अब आगे नमस्ते सर, वो त्रिपाठी साहब के पेपर पर साइन चाहिए था। अभी नहीं, बाद में करा लेना। नहीं नहीं राघव जी, मैं कर देता, आप ही चले जी। महाराज जी। जी अम्मा जी। तुम भी अपने चौके में देख लो, दो चार बर्तन तो नहीं निपटा ले गई। जी। अम्मा जी, अम्मा जी, आ गई वो लड़की। गंगा, गंगा कहाँ चली गई थी तुम? ये अगर तुम नहीं होती तो कौन खेलता मेरे साथ? कहाँ मिली ये लड़की? शहर छोड़कर भाग रही थी क्या? अब तो नहीं जाएगी ना, और दादी कह रही थी। रुक जा लल्ला, मुझे बात करने दे। मेरी तलाशी ले इसकी। तलाशी क्यों माँ जी? वो कि सोने का लॉकेट खो गया है, जरूरी सी ले लिया है। माँ जी मैं मेरी जी। बड़ी शान से कह रही थी ससुरी, दया का लड्डू नहीं खाएंगे, हक्का खाएंगे। चोर नहीं कहीं की। अम्मा जी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, उसने नहीं चुराया होगा। लेकिन बहू जी, अब तक तो उसने बेच दिया होगा। बड़े चालाक होते हैं ये, चोरी का माल साथ लिए थोड़ी ना घूमेंगे। ये सब क्या हो रहा है? बहस नहीं बहू, तेरा लॉकेट घुमाए ना, पूछ इससे। गंगा, उस दिन तुमने मेरा सोने का लॉकेट उठा के दिया था ना, वो तुम्हारे पास है? बोलो गंगा। क्या हुआ? पापा सब लोग बोल रहे कि गंगा ने मामा का लॉकेट चुरा लिया। मेरी ने तलाशी मिली लेकिन कुछ नहीं मिला।
क्या हो गया आप सबको? गंगा की हालत दिखाई नहीं दे रही आप लोगों को? कितनी दुखी है बच्ची। कहां गई थी, किस लिए गई थी, ये पूछने के बजाय चोरी का इल्जाम लगाने इस पर। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने गई थी गंगा। चाहे तो फिर से एक बार और तलाशी ले लीजिए अम्मा जी, कुछ नहीं मिलेगा इसके पास सिवाय उस दर्द और तड़प के जो इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता के खोने पर मिला इसे। लेकिन अफसोस, आप में से किसी को भी इसकी तकलीफ दिखाई नहीं देगी। इसे संभाल कर रखना और फिर नहा लेना। स्मशान घाट से लौटकर स्नान करना जरूरी होता है। पुलकित, सीट देना भाई। हाँ हाँ, आया आया। अरे जल्दी दे, इसमें दो सीटी है। ओके। हाँ ओए, तू क्यों उदास है? हाँ चलो, और क्या हो गया? वो मेरे टॉय ना गंगा, बेचारी दादी ने कितना डांटा उसे, बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। कितना कुछ हुआ ना उसके साथ, कैसा फील कर रही होगी वो। लेकिन दादी भी ना कुछ समझती नहीं। सब उस लॉकेट की वजह से हुआ, ना वो गुम होता और ना दादी को गंगा पे शक होता। सब मेरी गलती है, मैं ही चुप रह जाती तो क्या बिगड़ जाता। मम्मी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और प्लीज इसमें अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। उस बेचारी का उदास और मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता मुझसे। बेचारी अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आई और हम सब बस पीछे ही पड़ गए उसके। लेकिन वो इतना सैड क्यों है मम्मी? लोग तो मरते ही है ना। हमारी टीचर कहती है इस दुनिया में जो भी आता है एक ना एक दिन मरता ही है। दादू भी तो मर गए, लेकिन दादी कितना खुश रहती है। ऐसा नहीं कहते, अम्मा जी दिखाती नहीं पर उन्हें बहुत दुख है दादाजी के जाने का। हर किसी को होता है। आज इतने साल गुजर गए दादाजी को गए हुए, पर तेरी दादी और पापा आज भी उन्हें उतना ही याद करते हैं। करते होंगे, लेकिन गंगा जी इतना सैड, ना ही तो मैंने पापा को देखा और ना ही दादी को। सागर, एक मिनट मम्मी, मैं इसे समझाता हूँ। आओ। गंगा के पापा की डेथ अभी अभी हुई है और दादू को गए कई साल हो गए ना, तब तो तू भी नहीं था, इसलिए तुझे पता नहीं कि दादी और पापा को कैसा फील हुआ होगा। और फिर ये भी तो सोच, गंगा के पास कोई नहीं है, ना माँ ना पापा ना फैमिली ना कोई रिलेटिव, एकदम अकेली है वो। और जब तेरे साथ कोई नहीं खेलता तो कितना बुरा लगता है तुझे। कोई तेरा टॉय घूम जाता है, उसको सारा दिन रोता है तू। देखो
इतनी सी भी चोट लगती है तो सारा घर तेरे पीछे दौड़ता है। लेकिन गंगा, उसके पास कोई नहीं है उसको संभालने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला और कहने वाला रो मत, ऐसे में तो सैड होगी ना वो। खीरे क्या कर रही है? चल खेलते हैं। नहीं, मन नहीं कर रहा हमरा। मुझे पता है तेरा मन क्यों नहीं है। तू सैड है ना? तेरी मम्मा नहीं है, तेरे पापा नहीं है और तेरा घर भी नहीं है। लेकिन इसमें उदास होने वाली बात क्या है? मैं हूँ ना तेरे साथ, और जब मैं हूँ तेरे साथ तो तू अकेले कैसे हुई? है ना? देख मैं क्या लाया हूँ, ले। क्या हुआ रे? पापा की याद आ रही है ना? चलो उठ, इधर आ, इधर आ। आज के दिन तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन कल से अपना सारा काम खुद ही संभालना। आंख खुलते ही सबसे पहले बिछौनों के लपेट कर एक कोने में रख देना। दस दस नौकर नहीं है इस घर में, समझी? और हाँ, एक बार और बोल रहा हूँ, गुसलखाने में पहले मैं जाऊंगा। ये रोज रोज गंगा जल से शुद्धि करने का टाइम नहीं है मेरे पास, सुना?
सागर चलो उठो बेटा, बहुत लेट हो गया। चलो 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 जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। मेरा राजा बेटा है ना, चलो उठ जा, उठ जा। हाँ लेट हो जाएगा। नहीं मम्मा सिर्फ 5 मिनट्स और। 5 मिनट्स 5 मिनट्स करते करते पूरा आधा घंटा हो गया। चलो चलो चलो। हाँ सागर गुड बॉय है ना, चलो उठो उठो उठो। माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं कर दो, अपने बेटे को कोई ऐसे तंग करता है क्या? वाह ब्लैकमेल कर रहा है मम्मी को। ये तो अच्छा हुआ कि मम्मी आई उठाने, अगर पापा आते ना तो चड्डर नहीं तो तेरे कान खींच के तेरे को उठाते। मैं तो यही करना है, जो करना है कर ले बुद्धू। बुद्धू मान देखो भैया मुझे बुद्धू के। अरे तुम दोनों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो, ये क्या तरीका है? क्यों तंग कर रहा है अपने छोटे भाई को? बेटा मैं आपको ब्रश देती हूँ, तुम ब्रश कर लो, मैं पापा को अलमारी से कपड़े निकाल के देती हूँ। हाँ लेकिन सोना मत। मेरा राजा बेटा है ना। वाह बच्चू तेरे तो मजे, मुझे तो कभी किसी ने टूथब्रश पे पेश भी लगा के नहीं दिया। अगर तू स्पेशल नहीं होता ना तब देखता तुझे, है ना मम्मी? मुझे तो कभी किसी ने टूथब्रश पे पेस्ट लगा के नहीं दिया। अगर तू स्पेशल नहीं होता ना तब देखता तुझे, है ना मम्मी? स्पेशल को कहा? बोलो बोलो। बोलो तू मेरा प्यारा बेटा है ना, राज दुलारा, घर में सबसे छोटा है ना इसलिए। देखा प्यारा प्यारा राज दुलारा, लाड़ में बिगड़ा हुआ बेटा। मैं बिगड़ा है नहीं हूँ। चलो देखते कौन पहले रेडी होता है, आप क्या मैं। बोल के आज तो संभाल लिया बेटा, पर आगे से इस बात का ध्यान रखना, सागर को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। महाराज जी ये सब छोड़िए, जल्दी से चाय नाश्ता लगाइए, अम्मा जी आती होंगी गंगा स्नान से। जी बहुत अच्छा। कौन सा कपड़ा? ओ महाराज जी आया। अम्मा जी बनारस का तो हाल पहले जैसा रहा ही नहीं, जहाँ देखो भिखारियों ने ऐसा डेरा जमा के रखा है कि क्या बताए, नशेड़ियों की भी कमी नहीं, धर्म की नगरी को नशे के धुएं से बर्बाद कर रखा है धरोए से। अब देखो स्नान करके निकली, कुकुर कमबख्त ने पल्ला पकड़ लिया, दोबारा स्नान करना पड़ा मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मा जी। कौन सी नई बात है महाराज जी? हाय हाय वो जमाना था महाराज जी हैं, जब घाट पे संतों का जमावड़ा होता था, सत्संग होते थे, धर्म पुण्य की बातें होती थी, और आज बस ठगी ठग बैठे। 16 आने खरी बात कही है आपने अम्मा जी। हाँ दादी। अरे मेरा लल्ला उठ गया। मैं तो कब का उठ चुका हूँ और नहा भी लिया। ओए शाबाश मेरे बताशे। है ना तेरे बताशे। ले ऐसा सिखाया था मैं छटर बट्टू। ले और गंगा के लिए ले स्नान किया? स्नान नहीं किया और हाथ पसार रही है, इतना भी सिखाना पड़ेगा? हाँ जाके स्नान कर, किया फिर मिलेगा। रुक
स्नान करने के बाद कपड़े हैं तो फिर स्नान करने का फायदा क्या है? अरे कृष्ण, अरे चल मेरे साथ। दया माया दिखाकर नीरू तो ले आया इसे, पर ये नहीं देखा कि कपड़े लगते हैं कि नहीं। साफ सफाई का ध्यान भी मुझे ही रहना पड़ेगा। अब इस बुढ़ापे में मजदूरी का काम करूंगा। हरे हरे कृष्ण हरे मुरारी, कहाँ ढूंढूं इसके लिए अब, कहाँ मिलेगी इसके लिए अब सफेद धोती? चलाई आती है ले, अच्छे से किनारे सी लेना, हाँ नहीं तो धागे लटकते। ले पकड़ पकड़ पकड़। हाँ। देख लड़की, ये ब्राह्मणों का घर है। बिना स्नान किए हुए बासी कपड़ों में ना रसोई में और ना पूजा घर में पैर भी नहीं रख सकती। विधवाओं को बहुत संयम से जीना पड़ता है। खान पान, रहन सहन सब नियम के अनुसार। सूरज ढलने के बाद मुंह में अन्न तक नहीं रख सकते, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हैं? समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ या यू बैल की तरह मुंडी घुमा रही है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं। पत्थर से सर फोड़ने वाली बात है। खीखी करके दांत दिखाने के अलावा कुछ नहीं आता इस लड़की को। जा स्नान कर ले और बाद में गुसल खाने को अच्छे से साफ करके रखना। जा ठीक से पानी फेंकना। अगले हफ्ते बुआ जी के पोते का मुंडन है, क्या गिफ्ट लूं? नहीं नहीं राघव जी, उन्हें कह दीजिए कि आज की सुनवाई में उनका आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आए तो फिर पता नहीं कब की डेट मिले। हाँ कवा से बात हो गई ना आपकी, आ जाएगा ना टाइम पर? पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि हमारी तरफ से क्या गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है बाद में बात करते हैं। तुम कुछ कह रही थी? अगले हफ्ते बुआ जी के पोते का मुंडन है, हमारी तरफ से क्या गिफ्ट दूं ये पूछ रही हूँ। माधवी ये गिफ्ट वगैरह के बारे में मुझे क्या पता, तुम्हें समझ में आता ले लो, अम्मा जी से पूछ लो बता देंगे। पर आप चलेंगे ना? मुश्किल लगता है, तुम अम्मा जी के साथ चलेंगे ना? मतलब आप नहीं चलेंगे? अम्मा जी तो कहीं आती जाती हैं नहीं, और फिर मैं अकेले जाके क्या करूंगी? माधवी तुम्हें तो पता है रिश्तेदारों की भीड़ में कितनी घुटन होती है मुझे। बोलो कितने पैसे हुए? 55 रुपए हो बहन जी। ये लो 5 रुपया छुट्टा दीजिए ना बहन जी। भाई साहब 5 रुपए की तो बात है, अगर 5 रुपए आप छोड़ दोगे तो थोड़ी ना आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्यों चल फ्रेंड्स? वो तो आपका भी नहीं होगा बहन जी, 5 रुपया छुट्टा नहीं तो 10 का नोट दे दीजिए।